नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको लाइव प्रूफ के द्वारा दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कॉइन्स के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहना। तो दोस्तों हम लाइव कॉल करके आपको मैं एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊँगा कि लोग कॉइन्स के नाम पे किस प्रकार से फ्रॉड किया जाता है, किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जाता है कि कॉइन्स की इतनी रेट, इतना क्या है, इतना कुछ। इसलिए मैं आज आपको लाइव प्रूफ दूंगा कॉल करके। देखिए दोस्तों अभी टाइम बताऊंगा आपको, 12:23 हो चुका है। तो दोस्तों अब हम कॉल करेंगे और बात करेंगे उनसे। दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहना, तभी पूरा एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि ये लोग किस प्रकार फ्रॉड का जो सिस्टम चला रखा है वो किस प्रकार चलाते हैं। तो दोस्तों हम कॉल करते हैं अब उनके पास। देखिए कॉल जा रहा है, लाइव दिखाऊंगा मैं आज आपको, एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगा दोस्तों। देखते हैं कॉल उठाता है नहीं उठाता है। गूगल से नंबर लिया हमने। हेलो। हाँ जी सर। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। जी हाँ जी सर नमस्कार। जी सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हेलो हेलो। हाँ जी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास एक ओल्ड कॉइन है। अच्छा। वैष्णो देवी वाला होता है ना, वैष्णो देवी। हाँ हाँ, वो कॉइन से मेरे पास। बेचना चाहते हो आप? हाँ उसे बेचना चाहते हैं सर। सर व्हाट्सएप पे फोटो भेज सकते हो आप उसकी? जी व्हाट्सएप पे फोटो। अच्छा व्हाट्सएप पे फोटो डालना है। जी सर अभी सेंड कर देता हूँ। किस नंबर पे करना है? सेम नंबर। इसी नंबर पे? हाँ जी सर। जी सर अभी सेंड करता हूँ मैं। हेलो। हाँ जी सर डाल दिया मैंने। सर मैंने क्या जी फोटो सेंड कर दिया आपके पास। मिल गया देखिए। जी हाँ बेचना चाहते हैं ना, तभी तो आपके पास मैसेज किया, आपके नंबर लिए हैं गूगल से। मैं कंपनी में भेज दूँ? हाँ सर भेज दो। जी सर बेचना है। जी हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही है आ रही है। तो सर एक तो अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो। आधार कार्ड? एक अपनी फ़ोटो। मेरी फ़ोटो? हाँ जी सर। और अपनी UPI ID? UPI ID हाँ दीजिए सर, भेज दीजिए। जी हाँ जी सर। सर ये क्यों? एक सर अपनी मेल आईडी सर जो आपकी। जी जी ये मेल आईडी भी भेज देंगे, लेकिन ये क्यों? ना जी वो तो नोट तो बेचना है, लेकिन ये किस लिए चाहिए ना आईडी प्रूफ, ये इसका क्या मतलब है? मेरा फोटो तो फॉर्म लगेगा एक। अच्छा फॉर्म लगेगा? हाँ जी सर। अच्छा फॉर्म के लिए ये फोटो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड करना है? हाँ जी सर। जी सर वो तो भेज देंगे, अभी भेज दूँ? जी अभी भेज रहा हूँ। चलो अभी भेज रहा हूँ सर, अभी भेज रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी ये हमसे आईडी प्रूफ मांगा है, तो हमने आईडी प्रूफ सेंड कर देता हूँ। उसके बाद आगे की चर्चा देखेंगे क्या बताता है क्या नहीं बताता है। अभी उसका कॉल हमने होल्ड पे रखा है, तो आगे का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, किस प्रकार से ये लोग सिस्टम चलाते हैं, किस प्रकार से नहीं चलाते हैं, पूरी डिटेल्स आपको लाइव में दिखाऊँगा आज इस वीडियो के माध्यम से। एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊँगा कि किस प्रकार से लोगों के साथ कॉइन्स के नाम पे जो फ्रॉड किया जाता है उसके बारे में। तो दो अब हम आगे की बात करते हैं इनसे। हेलो हेलो। हाँ जी सर वो मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिया आपके पास। हाँ जी सर डॉक्यूमेंट्स भेज दिए आपके। जी जो रेट लगी है सर 11,00,000 रुपये लगी है सर। जी सर एक तो आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है।
कितना? 11 लाख रुपए। हाँ जी सर। जी सर, जी सर। तो सर इसको मतलब कहाँ देने आना होगा? कंपनी के लोग आपके पास पहुँच जाएंगे, आपको कहेंगे नहीं देना, जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस सेंड किया है ना। मतलब सर आपकी टीम आएगी हमारे यहाँ? अच्छा, आधार कार्ड के? जी सर, जी सर। सर आप छोटी सी 100 रुपए फीस डालने होंगे सर। हाँ जी सर, हाँ जी। तो उसके लिए क्या करना है? कितना बताया, कितना फीस बताया? 2100 रुपए। 2100 रुपए? सर ये तो बहुत ज्यादा है, ये किस लिए चाहिए आपको? सर फॉर्म चार्ज लगेगा ना। सर ये एडवांस में देना होता है? आपको पहले देना होगा और कंपनी आपको वापस। जी सर, इतना तो मेरे पास है नहीं ना, 2100 रुपए तो अभी है ही नहीं अकाउंट में। जी हेलो। हेलो। हाँ जी सर, 2100 रुपए तो है ही नहीं मेरे पास अभी। सर 2100 रुपए तो आपको करना होगा सर। नहीं तो सर वो तो सही बात है, लेकिन 2100 नहीं है ना अभी मेरे पास, सिर्फ 1500 रुपये ही है। जी एडजस्ट नहीं हो सकता किधर से भी? जी एडजस्ट नहीं हो सकता ना, इसीलिए तो ये मैं माता वैष्णो देवी वाला सिक्का है वो बेच रहा हूँ ना। जी सर बताइए क्या। जी हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं सब कर रहा हूँ, मैं 1500 तो आप अभी डाल लीजिए, 600 रुपये में मेरे पास से डाल दूंगा। आप सर 1500 अभी डाल दूँ? डाल देना, मैं अभी डाल दूँ 1500? क्या करने होंगे सर? सर मतलब कहीं फ्रॉड व्रॉड तो नहीं होगा ना मेरे साथ? नंबर तो बंद नहीं होंगे ना आपके? आपको फॉर्म जो अप्लाई हुआ ना, तब आपके नंबर को? नहीं सर, आपके नंबर तो बंद नहीं होंगे ना, मैं मतलब 1500 रुपये अभी सेंड कर देता हूँ, उसके बाद नंबर तो स्विच ऑफ नहीं आएंगे ना आपके? नहीं सर, बिल्कुल कुछ स्विच ऑफ नहीं आएंगे। तो मतलब ये वो 600 रुपये आप कर दोगे ना? नहीं सर, वो मेरे से एडजस्ट नहीं होगा ना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ अभी। मेरे पास सिर्फ 1500 रुपये ही है, जो ऊपर का जो अमाउंट आपने 2100 बोला था वो 600 रुपये मेरे पास नहीं होंगे। वो तो आपको जब जी सर वो तो परसों तक भी नहीं होंगे मेरे पास। अच्छा मतलब वो प्राइस के बाद में देना है? तो सर ऐसा कर लो ना, पूरा पेमेंट बाद में ले लेना, जो 2100 बता रहे हो उसकी जगह 5000 ले लेना। सर ऐसा नहीं हो सकता। जी हेलो। जी सर पूरे पूरा पेमेंट ले लेना बाद में। हाँ सर। सर मैं पहले एक भी पैसा नहीं दूंगा, मुझे लग रहा है कि भाई फ्रॉड हो सकता है मेरे साथ। नहीं सर, ऐसा फ्रॉड नहीं होगा सर, आपको सिक्का बेचना है तो आपको बेचना पहले लेकिन फॉर्म तो लगवाना है। वो नहीं दूंगा, फॉर्म तो लगवाना ही होगा ना आपका? जी फॉर्म तो लगवाना ही होगा ना, सिक्का बेच रहे हो तो आप? नहीं सिक्का तो बेचना है लेकिन वो पेमेंट नहीं दूंगा ना 2100। तो सर आपको फॉर्म नहीं लगेगा, धन्यवाद कंपनी में कॉल करने के लिए। जी सर क्या हुआ, आप दे दो ना। नहीं सर हम नहीं दे सकते सर। क्यों नहीं दे सकते सर? हम कितने भी लोगों का देंगे? मतलब सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्रॉड करोगे मेरे साथ। कोई फ्रॉड नहीं होता सर। और क्या है, और क्या सिस्टम है? ये फ्रॉड वाला है तो चला रखा हो ना आपने। आपके साथ कितनी बार किया है फ्रॉड? अभी कर रहे हो ना ये 2100 बोल के। आपको कॉइन्स लेना है तो सर वैसे भी ले लो ना, मुझे एड्रेस दे दो मैं आ जाऊंगा। मुझे एड्रेस दे दो मैं आ जाऊंगा। हेलो। हाँ जी सर, कंपनी का एड्रेस देके आपको? कंपनी का दोगे ना तो कंपनी लेगी ना हमसे सिक्का। हाँ जी सर, आप एड्रेस आपको कुछ समय में व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाएगा। अच्छा मतलब ऑनलाइन पेमेंट डाल दो उसके बाद आप गायब हो जाओगे। फॉर्म भी लगा दीजिए आप उसमें। लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है मुझे? ऑनलाइन पेमेंट डालते गायब हो जाओगे आप। एड्रेस बता सकता हूँ मैं आपको? हेलो सर, रहने दीजिए, कौन सा एड्रेस बताओगे आप? तो पेमेंट मांग रहे हो ना पहले, बिना पेमेंट के करो कुछ करना है तो। तो सर आपको सिक्का बेचना है कि नहीं बेचना? सिक्का बेचना है, पेमेंट नहीं दूंगा मैं। तो सर
एडवांस में एक भी रुपया नहीं दूंगा, फॉर्म नहीं लगेगा, फॉर्म नहीं लगेगा तो आपका शिकायत एडवांस में एक भी रुपया नहीं दूंगा। एडवांस में एक भी पैसा नहीं दूंगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ, एडवांस में एक भी पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे पता था। तो दोस्तों देख सकते हो ये लोग किस प्रकार से हमसे 11 लाख रुपए का झांसा दे, इसने अभी फोन कट कर लिया है, 11 लाख रुपए का झांसा देकर मेरे को 2100 रुपये बोला। मैंने बोला 2100 रुपये नहीं है तो 1500 रुपये आ गई। उसके बाद मैंने बोला पैसा तो मैं एक सेंड करूंगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन का जो ऑनलाइन पेमेंट मांगते हैं वो सब लोग क्या पेमेंट आते ही स्विच ऑफ कर लेते हैं अपना मोबाइल, उसके बाद कोई उनका आता पता नहीं रहता, सिम उनके हर दिन हर घंटे चेंज होते रहते हैं, उनका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क के लिए हमें उसके लिए ऐसा करना सिस्टम के लिए कि हम लोगों को ऑनलाइन जो भी पेमेंट मांगता है कॉइन्स के नाम पे चाहे नोट्स के नाम पे चाहे किसी भी नाम से लो, वो हमें उनके जाल में कभी फंसना ही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, ये पूरा लाइव प्रूफ दिया है, समझ जाना दोस्तों, ऑनलाइन के ऊपर विश्वास कभी मत करना, ऑनलाइन पेमेंट कभी मत करना कॉइन्स के लिए।